क्या क्या किया, क्या प्रगति हुई, क्या नुकसान हुआ, इसकी समीक्षा करते हैं और समीक्षा के बाद आगे और कैसे बेहतर करें, अपनी पार्टी की नीति सिद्धांत को और जनता तक बेहतर कैसे हम पहुंचा सकें, इस बात की समीक्षा करते हैं, फिर एक महीना काम करते हैं। और जहां तक सवाल 2019 का चुनाव का है, तो 2019 के चुनाव के लिए हम अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन है और गठबंधन में चुनाव हम लोग लड़ेंगे। आज कहां कहां से लोग आए हैं बैठक में? और 75 जिले, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में भारतीय समाज पार्टी का संगठन है। 75 जिले से लोग आए हुए हैं। हमारे ब्लॉक, विधानसभा, जिला, मंडल, प्रदेश और देश के जितने भी नेता हैं, सभी लोगों को इधर जो जिम्मेदार लोग उनको बुलाया गया है और उनको निर्देश दिया जाएगा कि आगे एक महीने में क्या क्या करना है, इसी बात के लिए लोगों को बुलाया। सर, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है क्या? समय समय पर आप विरोध में आवाज उठाते रहते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, कमजोर, लाचार लोगों की बदौलत सरकार में शामिल हुआ हूँ। लोगों ने मुझे इस उम्मीद से यहाँ भेजा है, जो उनकी मूलभूत समस्या है, नाली, चक्रोड, खड़ंजा, हैंडपाइप की, आवास, पेंशन, शौचालय की, रोजगार की, उनके लिए हम आए हैं। उनके साथ जहाँ भी अन्याय होगा, हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इसी को लोग विरोध कहते हैं। तो ये समझ लीजिए कि गरीबों के साथ अगर न्याय करना बगावत है, तो समझ लो हम बागी हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह बहुत समस्याएं हैं। आपके प्रत्याशी भी चुनाव में से जीते भी हैं? 53 लोग हमारी पार्टी से जीते हैं। पूरे प्रदेश में हम लोग जीते हैं 53। कहीं हम 100, 80, 90, 200, 500, 800, 1000 वोट से हारे हैं। तो इससे क्या सरकार का आपके ऊपर दबाव भी है? कोई दबाव नहीं है। देखिए, हम स्वतंत्र पक्षी हैं, हम गठबंधन किए हैं। हमारा प्रयास था कि निकाय चुनाव में भी गठबंधन हो जाए, नहीं हुआ तो भाजपा भी लड़ी, हम भी लड़े। दोनों लड़ने से दोनों का नुकसान हुआ, ऐसा नहीं कि एक का। हम जहां हारे हैं 80 वोट से, 100 वोट से, 200, वहां बीजेपी 3000, 2000, 4000 वोट पाई है। जहां वो हारी है, वहां हम 2000, 4000, 5000 वोट पाए हैं, तो नुकसान तो हुआ। शपथ ग्रहण समारोह आज शामिल होंगे आज उसमें? नहीं, हम तो अपनी सभा रखे हैं खुद। हम शपथ समारोह से हमसे क्या मतलब है? मंत्री जी, आप अगर जनसभा वगैरह करते जो है क्षेत्र में अपनी पार्टी के लिए, चलो सीटें कुछ और बढ़ भी सकती है? नहीं, असल में देखिए, ये एकाएक हम मान के चल रहे थे कि समझौता हमारा हो जाएगा। हम कुल मिला के 5-6। ये वीरेंद्र सिंह सिसोदिया जो गोंडा से हैं, इनको दिया का। अब अगले वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष, जो रातों दिन भारतीय समाज पार्टी के युवाओं को प्रेरणा देने का काम करते हैं, उसका देने का काम करते हैं, विभाजन करवा में, ताकि मंच से यह बात न उठे। इसके लिए हम माननीय गीता राजभर जी, जहाँ तक आपने साधन की बात कही है, साधन की भी बात हमारी प्रदेश अध्यक्ष पूरी राष्ट्रीय कमेटी सुनी है। ये जितने लोग सदस्यता ले रहे हैं हमारे प्रदेश प्रभारी जी, इनको प्राथमिक सदस्य भी बनाते जा रहे हैं, ताकि हमारे प्राथमिक और जिला, मंडल और प्रदेश के हमारे सम्मानित नेतागण, आप सभी लोगों का श्रेष्ठ भारतीय समाज पार्टी युवा मंच प्रदेश इकाई की तरफ से आज इस लखनऊ की धरती, पावन धरती पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हो या छोटा हो, 50% महिलाएं भूमिका निभाती हैं, लेकिन उनके मन में कसक ना हो। जितना हमसे खुल के बोलती हैं, आपसे खुल के नहीं बोल पाती। तो हम भी मन में कसक लिए थे, सोच रहे थे कि उसको अपने परिवार में कह देने में, शेयर करने में क्या दिक्कत है। यदि मुझसे कहीं त्रुटि हो, अभी अभी आपकी महिला मंच के संगठन प्रदेश प्रभारी आदरणीय गीता जी के विचार आए हैं।